नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली में तैनात महिला आरक्षी पूजा सिंह ने करीब 2 सप्ताह पूर्व कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने महिला आरक्षी के कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि कथित प्रेमी ने ही महिला आरक्षी को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया था। बताते चले कि चंदौली जनपद की निवासी महिला आरक्षी फूलपुर कोतवाली में तैनात थी। 7 फरवरी की शाम उसने कस्बे के किराए के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना में महिला आरक्षी के पिता ने वाराणसी जनपद के बालाजी एक्सटेंशन लंका के अवनीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की छानबीन में यह तथ्य सामने आया कि मृतक महिला आरक्षी वर्ष 2016 में वाराणसी में रहकर पढ़ाई करती थी। इसी दौरान वह अवनीश के संपर्क में आई और दोनों में प्रेम हो गया। यही नहीं, दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी था। इसी बीच मृतका वर्ष 2018 में महिला आरक्षी के पद पर तैनात हो गई। वह फूलपुर में सरकारी आवास में न रहकर किराए के कमरे में रहने लगी। पुलिस की जांच में यह भी तथ्य सामने आया कि महिला गर्भवती थी। यही नहीं, कथित प्रेमी को मृतका आरक्षी ने लोन लेकर मांगे वाहन और लाखों रुपए दिए थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विगत सप्ताह थाना फूलपुर में एक महिला कांस्टेबल की नियुक्ति थी। वहाँ पे वो प्राइवेट कमरा लेकर के रहती थी और एक दिन रात में सूचना आई कि उसने सुसाइड कर लिया है। मौके पे एसएसपी महोदय, हम सभी लोग गए थे वहाँ पे। गेट को तोड़ के देखा गया तो उसने सुसाइड किया था पंखे पे अपने दुपट्टे लटका करके। उसमें विधिवत जानकारी की गई, उसका कल डिटेल खंगाला गया। उसमें तो जानकारी ये हुई कि उसका एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उस लड़के ने उसको बताया कि मैं भी एमकॉम हूँ, प्रबंधक हूँ बैंक में, मेरे पास अपनी गाड़ी है। लेकिन वास्तव में लड़का वो शायद 10th या इंटरमीडिएट पास था, फेल था उसमें, और वो एक प्राइवेट एजीएम थे बैंक के, उनका ड्राइवर था प्राइवेट, वो कहीं भी एम्प्लॉयड नहीं था वो इस ढंग से वो। और बाद में वो हमारी जो कांस्टेबल थी प्रेग्नेंट भी हो गई थी उसी से, और पुनः उस शादी से भी मना किया उसने, उसी बात को लेकर उसने सुसाइड किया था। उसकी कल गिरफ्तारी हुई लड़के की और आज हम लोग उसको कोर्ट में पेश कर रहे हैं। वास्तव में ये एक दर्दनाक प्रेम कहानी का अंत है कि जिसने हमारी जो कांस्टेबल थी वो नहीं समझ पाई इसके बारे में, और पहले से इसका संबंध था उसी को मानते हुए, उसकी बात पर विश्वास करते हुए कि जैसा कह रहा वैसा ही ये है, उसने विश्वास किया और बाद में आके शादी से मन भी मना कर दिया इसने। हम लोग जब मौके पे गए तो उसके कानों में जो है एक कान में उसके ईयरफोन लगा हुआ था और फ़ोन पे लाइव थी, चूँकि फ़ोन उसका लॉक था तो हम लोग खोल नहीं पाए उसमें। बाद में उस फ़ोन को हम लोगों ने अपने साइबर सेल को दिया था। फ़ोन को हम लोगों ने उसके मर्डर को खोला गया और फिर CDR निकाला गया, उसमें तमाम चैटिंग थी, उसके तमाम वीडियोज़ थे, तमाम चीज़ देख करके हम लोगों ने इसको निष्कर्ष निकाला। और ये विवेचना में आई भी है बात कि पूरा जो सुसाइड है उसका रीज़न यही है कि इसका जो मंगेतर था उसने उसके साथ धोखा किया, और इसलिए उसकी गिरफ्तारी आज हुई है, वो जेल जा रहा है। इसमें बेसिकली वो लड़का फ्लर्टबाज था, जो हमें लगता है कि लड़का फ्लर्टबाज था। लड़की बहुत गंभीर थी वो, और उसने अपना जीवन साथी इसको मान लिया था। हम लोग जो कमरे में गए तो उस कमरे में भी उस हमारी जो लड़की थी उसने अविनाश वर्सेस पूजा लिख के टांग रखा था, पूरा इसको अपना पति ही मानती थी। जो मकान मालिक ने बताया भी इस मामले में कि वो आता था यहाँ पे सैटरडे और संडे को, रुकता था यहाँ पे, एज ए पत्नी के रूप में रखता था इसको, वो भी अपना पति ही मानती थी इसको। लेकिन लड़के ने धोखा किया उसके साथ, पता है कि चूँकि लड़की जो है एम्प्लॉयड हो गई थी, अभी उसने 5 लाख रुपये अपने को लोन लिया अपने जो है सैलरी अकाउंट पर और इसको ट्रांसफ़र भी किया इस लड़के को। तो यही सब मिला के एक कम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई, और लड़की को जब जानकारी पूरी हुई इस बारे में तो उसे साइड कर लिया उसने। नहीं, लड़का वास्तव में एक प्राइवेट बैंक के AGM थे, उनका प्राइवेट ड्राइवर था, और बताता था कि मैं बैंक का प्रबंधक हूँ और मैं बैंक में नौकरी कर चुका। लड़का स्मार्ट देखने में है ये, और अपने को बनाने के लिए इसने कुछ दिन बैंक में खाता तो खुलवाने का भी काम किया लड़की को समझने के लिए, और लड़की को विश्वास हुआ कि हो सकता बैंक प्रबंधक हो, ये हो गया हो, चयन उसका हो गया हो, इसीलिए उसने उसमें एतबार किया। और बाद में जब पूरी सच्चाई की जानकारी उसको हुई तो उसे सुसाइड कर लिया उसने। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।